नमस्कार, मैं डॉक्टर जुबिन देव शर्मा हूँ। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। हमने पहले कई बार बात की है पेट के दर्द के बारे में, तो आज उसका एक काफी स्पेसिफिक कारण के ऊपर हम बात करेंगे। पेट का दर्द और वो भी पेट के ऊपरी हिस्से का दर्द का एक काफी आम कारण है पैंक्रियाटाइटिस होना। पैंक्रियाटाइटिस का मतलब हुआ आपके पैंक्रियास के अंदर सूजन आना। पैंक्रियास क्या होते हैं? पैंक्रियास हमारे पेट के अंदर एक ऑर्गन है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम है हमारी खाने को डाइजेस्ट करने की पूरी प्रणाली में। वो एंजाइम्स बनाता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है आंतों के साथ काम करके। वो इंसुलिन बनाता है जिससे आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहती हैं। सो यदि आपको पेट के दर्द बार बार होते हैं या आपको डायबिटीज है, तो आपको पैंक्रियास के अंदर कुछ खराबी होने की पॉसिबिलिटी है। अब पैंक्रियाटाइटिस जो होता है ये दो तरीके से होता है, एक जिसको हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और दूसरा होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर आमतौर पे बहुत ही तेज दर्द होता है पेट के ऊपरी हिस्से में जो पीठ की तरफ भी जाता है। पेशेंट को काफी तेज दर्द के साथ साथ और लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे सांस में दिक्कत आना, पेट के अंदर थोड़ा पानी बनना, पेशाब कम आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना। तो ये एक काफी सीरियस गंभीर प्रॉब्लम है जिसके अंदर पेशेंट को कई बार आईसीयू की जरूरत भी पड़ती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने के कई कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके गॉल ब्लैडर के अंदर एक पथरी होना, स्टोन होना, जो गॉल ब्लैडर या पित्त की थली से निकल के पित्त की नली के अंदर फंसे। बाकी कारणों में दवाइयों से, कई बार कोई वायरल की इन्फेक्शन से, शराब से, इन सबसे भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने की शंका रहती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आज की डेट के अंदर अगर देखा जाए तो काफी लंबा आईसीयू स्टे, लंबा हॉस्पिटल स्टे का कारण बन सकती है। इसका सपोर्टिव केयर इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। पेशेंट को जो भी दिक्कत आ रही हो, सांस की हो, पानी की हो, पेट में या दर्द की प्रॉब्लम हो, उसको संभाला जाता है। इसी के बिल्कुल उल्टा दूसरी तरफ आता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। अब क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है कि कई साल में कई बार आपको पेट के अंदर दर्द हुआ, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हुआ, लेकिन वो कुछ दिन तक होके सीमित रह गया। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो अल्कोहल इंटेक है, और उसके अलावा इंडिया में पर्टिकुलरली क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस, मतलब के पैंक्रियास की नली के अंदर पथरियां बनना एक कारण है जो कि जिसका हम काफी मात्रा में पेशेंट्स देखते हैं। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में कई साल तक पेशेंट को पेट के अंदर दर्द होता रहता है। इसके अंदर पैंक्रियास का जो पूरा नली है उसके अंदर पथरियां बनती हैं, वो पथरियों की वजह से पैंक्रियास का प्रेशर बढ़ता है और पेशेंट को दर्द होता है। इसका ट्रीटमेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से बिल्कुल अलग है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर कई बार आपको हमें टेस्ट करना पड़ता है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एमआरसीपी है, इसमें ये देखें कि आपकी पैंक्रियास की नली का क्या हाल है। कई बार शुरुआती केसेस के अंदर हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है तो पैंक्रियास की नली के अंदर स्टेंट डाले जा सकते हैं। इन स्टेंट के इस्तेमाल से आपका दर्द कम किया जा सकता है। वैसे ही इसके साथ में कुछ दवाइयां भी आती हैं। ये दवाइयों के साथ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का दर्द कम किया जा सकता है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में लंबे समय में जाके डायबिटीज होना, लैट्रिन बार बार आना और बहुत रेयर कारण में पैंक्रियाटिक कैंसर बनने की क्षमता रहती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि आपको एक्यूट या क्रॉनिक दोनों में से कुछ भी पैंक्रियास की प्रॉब्लम है तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना है ताकि वो आपकी पैंक्रियास की हेल्थ को एक बार चेक करे और ये देखे कहीं आपका जो डायबिटीज है वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के कारण तो नहीं है, और यदि आपको बार बार दर्द हो रहा है तो वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के कारण तो नहीं है। तो इसलिए पैंक्रियास के लिए अगर आपके पेट में बार बार दर्द होता है तो इसका टेस्ट आप जरूर कराएं। थैंक यू।